जो स्ट्रक्चर है हम इंडिविजुअल
कॉलेजेस में रजिस्टर होते हैं और एमए सेंट्रल डिपार्टमेंट में हमारा सारे पढ़ाई होती है और सब कुछ वहाँ से ही होता है, सिर्फ हम फॉर्मली रजिस्टर्ड होते हैं कॉलेजेस में। तो ये जो सर्कुलर की बात आ रही है कि कॉलेजेस इलेक्टेड सेक्शुअल हरासमेंट सर्कुलर आईसीसी को लाएंगे, तो यहाँ पे एक जगह पे हम एमए स्टूडेंट्स का मुद्दा पीछे रह जाता है, क्योंकि हमारे कॉलेजेस से एसोसिएशन बहुत ही कम होता है, 2-3 दिन का होता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट अगर हमें डिपार्टमेंट में हो रहा है तो कॉलेजेस को ना ही पता है कि कौन कर रहा है, क्या सिचुएशन है और किस मुद्दे पे हम बात करेंगे चाह रहे हैं और क्या लोकेशन है सेक्सुअल हरासमेंट जो हमें सेक्सुअल हरास कर रहा है हमारे साथ। तो जो ये प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हम अपने टीचर्स को अप्रोच करते हैं और कम्प्लीटली टीचर्स के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो हमारे कैसे मीडिएट करेंगे। और ये इनफॉर्मल मीडिएशन में ऑफन क्या होता है कि हम जिस टीचर्स से कंफर्टेबल हो उनके पास चले जाते हैं, उनके बायसेस क्लियर करते हैं, और अगर ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे टीचर्स हमारी सुनने नहीं चाहते हैं या फिर जो हम एक्चुअली हैरास करें उसका क्लाउड ज़्यादा है क्योंकि वो मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं या फिर टीचर्स से उनका बंधन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे लिए एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो हम लोग ये भी एक डिमांड रखना चाहते हैं कि हमारे जो एमए डिपार्टमेंट है उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ पे इलेक्टेड क्यों नहीं हो रहे। और जहाँ तक हमारे दूसरी की बात है, हमारे यूनिवर्सिटीज के एमए स्टूडेंट्स के अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है ना हम कॉलेजेस में जा सकते हैं क्योंकि हमारा लोकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, और दूसरी में जाना तो भूल ही जाओ, वहाँ पे हम जाएंगे तो फिर के वापस आ जाए। तो और हमारा डिपार्टमेंट हिस्ट्री बोलो, पॉल साइंस बोलो, ईस्ट एशियन स्टडीज बोलो, एक नया बिल्डिंग बहुत बड़ा स्मार्ट क्लासरूम वाला बिल्डिंग लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वुमेन्स बाथरूम में पानी एकदम नहीं आता। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आती है कि अगर वुमेन्स को बाथरूम यूज करना है, अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में जाके यूज करते हैं या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाके यूज करते हैं या फिर वो पानी ही नहीं पीते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम्स आता है, जो पीरियड्स में औरतें बाथरूम यूज करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं और टॉयलेट भी इतना गंदे हो जाते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे डिपार्टमेंट ने भी एक पिटिशन बनाई थी जहाँ पर हमने बाथरूम में पानी लाने का न्यू बिल्डिंग में हम कूलर्स बैठाने के लिए डिमांड किए थे, एक कॉमन रूम खोलने के लिए डिमांड किए थे, और ये पिटिशन फर्स्ट सेकेंड ईयर सबने साइन किया। तो 100% स्टूडेंट साइन होने के बावजूद भी इस पिटिशन को कुछ नहीं किया गया। तो यही पे हमें पता चलता है कि हमको यूनिवर्सिटी स्पेस कैसे देखता है, यूनिवर्सिटी स्पेसेस के लिए हम स्टूडेंट्स का वॉइस कितना मैटर करता है। उनके लिए बस ये है कि तुम आ जाओ कॉलेज में पढ़ लो, डिग्री नहीं कि तुम निकल जाओ नहीं। और हमारे 500 स्टूडेंट्स कॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो एमए में आते हैं और एमए में सिर्फ 25 सीट है। पता चलता है कि एमए कर लिया फिर ठीक है तुम घर जाओ या फिर तुम इनफॉर्मल सेक्टर में काम करो जहाँ पे तुम्हारी अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे और तुम अगर फीमेल स्टूडेंट्स हो तो शादी कर लो। तो ये सबसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता चलता है कि जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है, डिफरेंट समुदाय से लोग आ रहे हैं, उतना ही हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस फाइट बैक कर रहे हैं, सीट कट्स करवा रहे हैं, एडवोकेसी करा रहे हैं ताकि आगे ना बढ़ पाए, ताकि हम हमारे डिग्रीज से लेके कुछ हमारे लाइवलीहुड को नहीं बढ़ा पाए। तो ये सारे मुद्दे जो हम फेस कर रहे हैं इस वो हॉस्टल इश्यूज के साथ एक्सट्रीमली कनेक्टेड है, वो सेक्शुअल हैरेसमेंट के साथ एक्सट्रीमली कनेक्टेड है, के साथ एक्सट्रीमली कनेक्टेड है। और अगर हम इसे आइसोलेशन में देखेंगे तो हमारे मुद्दे पे एक बड़ा होल रह जाएगा जो पिंजरा को नहीं कर रहा है, जो पिंजरा को इसके होलिस्टिक व्यू देख रहा है इन सारी चीजों के लिए। और हम सबको अपने अपने यूनिवर्सिटीज में जाकर अपनी अथॉरिटीज से स्ट्रॉन्गली डिमांड करना चाहिए कि हमारे लिए जो फैसिलिटीज होना चाहिए ये क्यों नहीं हो रहे, सीट कट्स क्यों हो रहे, इतने कम सीट्स क्यों है, बाथरूम्स है तो उसमें पानी क्यों नहीं आ रहे हैं। ये पूरा बिल्डिंग है लेकिन बिल्डिंग्स में हमेशा ताला दिया जाता है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चरल चेंजेस को नहीं लाएंगे और ये एकदम बेसिक चीज़ों के लिए नहीं फाइट करेंगे तो हमारी फाइट अधूरी रहेगी।
सीरम को बुलाना चाहेंगे. हेलो कांग्रेस, वेरी हैप्पी ह्यूमन डे टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम इरम खान है और मैं पीएचडी कर रही हूँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से. आज इस दिन जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो मैं ज़्यादा टाइम से नहीं लूँगी. मैं दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट कहूँगी कि औरतों को मेन स्ट्रीम में आगे रोकने के लिए दो बहुत एक साथ चलते हुए ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं. पहली चीज ये हम अक्सर देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स, जेंडर बायस रूल्स जो हॉस्टल्स में होता है कि कहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज में, और ये पूरा यूनिवर्सल फिनोमेना है. ऐसा नहीं है कि देश के किसी यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो रहा है और कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं हो रहा है. ये हर जगह हो रहा है. शायद डिग्रीज में कम होगा, शायद कहीं से आवाज ज्यादा निकलती है और कहीं इतना दबा दिया गया है कि आवाज निकलती नहीं है, तो इसमें फर्क हो सकता है, लेकिन ये सारी जगह हो रहा है. पहली चीज हमें रोका जाता है लाइब्रेरीज को एक्सेस करने के लिए, बाहर जाने के लिए, और वो आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है, आपके प्रोटेक्शन के लिए. आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि आप इतने बजे के बाद बाहर ना निकले. आपके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि आप लाइब्रेरीज में ना जाए, और बहुत कुछ कहा जाता है. और इस सब का बेसिक अप्रोच क्या होता है, ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है कि हमारे प्रोटेक्शन की बात नहीं आती. चलिए एक बार को कहीं एक कॉलम देकर मान लेते हैं कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है. तो आगे चलते हैं. अगला, ये औरतें, ये फीमेल स्टूडेंट जो इतने सारे बैरियर होकर इसी तरह से ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में घुस रही हैं, जब उन औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है कैंपस के अंदर प्रोफेसर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, तब इस प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की हवा निकल जाती है. क्योंकि तब इन्हीं यूनिवर्सिटीज को हमें प्रोटेक्शन देनी होती है. और तब इन्हें याद नहीं आता, तब इन्हें याद नहीं आता कि ये वही महिलाएं हैं जिनके लिए आप बोलते हैं कि अरे इनके माँ बाप ही बोल कर गए हमसे कि 6 बजे के बाद बाहर मत निकलने देना. अच्छा ठीक है, आप ये इंतजार करेंगे कि पहले माँ बाप बदले, या हम ये इंतजार करें कि पहले यूनिवर्सिटीज बदले? आखिर चीज आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा? लेकिन हम कभी परिवार को ब्लेम करें, कभी इन विश्वविद्यालयों को ब्लेम करें. आखिर हमें आजादी, हमें बराबरी कब मिलेगी, कब मिलेगी आखिर? कभी मतलब ये आसान आर्ग्यूमेंट है. अब जब हम इनसे प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं, जब हम इनके दरवाजे पर जाते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोफेसर, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट मुझे सेक्सुअली हैरेस करता है, मेरा स्टॉकिंग करता है, या मुझे परेशान करता है, तब ये बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है कि इंडिया की सारी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज किस तरह से फंक्शन कर रही है. इतनी बुरी हालत है. आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के लिए चले जाइए, या आप अलीगढ़ में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, यू गो एनीवेयर, सेम पैटर्न है. पहला डिनायल, सारी यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारे यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता ही नहीं है. कितनी महान चीज, होता ही नहीं है. दूसरी चीज आपसे बोलेंगे, आप लोग हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें माफ कर दीजिए. फिर उनको उन हैरेसर्स का फ्यूचर याद आ जाता है एकदम से, बोलते हैं अरे इनके फ्यूचर का क्या होगा, इनका क्या होगा. आप थोड़ी आगे बढ़िए, आप पढ़ने आइए यहाँ पर, आगे बढ़िए. लेकिन मैं इसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये पढ़ाई मेरे किस काम की है, जब ये मुझे वो आजादी नहीं दिलाती. क्या मैं इन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसलिए आई थी कि मेरे साथ यहाँ भी हैरेसमेंट हो, मेरे साथ यहाँ भी वही ना बराबरी का सुलूक हो जो बाहर होता है? अरे इससे अच्छा तो ये था कि मैं अनपढ़ जाहिर रह जाती. कम से कम ये उम्मीद तो होती कि शायद मैं पढ़ती तो चेंजेस आते. लेकिन पढ़ने के बावजूद अगर मेरी जिंदगी में कोई चीज आता ही नहीं है, तो क्या फायदा है इस पढ़ाई का? ये कैसी पढ़ाई है जो हमसे कहते हैं कि आप डिबेट्स में बोलिए यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन जब हम उसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज को पसंद नहीं आता. वो ये नहीं चाहते, वो हमारी आजादी की लिमिट डिफाइन करके हमें देना चाहते हैं. हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम क्लास के अंदर इतनी बात बोलते हो तो तुम अच्छी लड़की हो, तुम आजाद हो. लेकिन अगर तुम यही बात उस क्लास में पढ़ा रहे प्रोफेसर के ऊपर क्वेश्चन उठाती हो, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाती हो, तो तुम आजाद नहीं हो.